पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए गुड न्यूज है। यूपी SSSC लेखपाल भर्ती से संबंधित और उसकी रिजल्ट और DB से संबंधित आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। DB की नोटिस आज आ सकती है। लगातार ग्रुप में ये जो बात है वो लगातार यहाँ पर फैल रही है। आप देख सकते हैं लेखपाल भर्ती का ग्रुप है जहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से पूछा जा रहा है आज क्या DB नोटिस आ सकती है। तो आज DB नोटिस आने के चांस बन भी रहे हैं, नहीं भी बन पा रहे हैं, अभी इस पर कुछ कह पाना हमारी तरफ से कन्फर्म नहीं है। लेकिन फिलहाल आज कोई ना कोई जो गुड न्यूज होगी लेखपाल की वो आपको देर रात तक हमारे चैनल की तरफ से दे दी जाएगी। इसके बाद जो दो कंफर्म न्यूज हमारे पास है कि DB आपकी जो होगी वो आयोग के बाहर कराने की पूरी तरीके से जो है तैयारी चल रही है आयोग में, और DB के लिए कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर कोई जो राजकीय कॉलेज होगा उसे सेलेक्ट किया जाएगा। जिस तरीके से ANM वालों की DB बाहर हुई थी उसी तरीके से लेखपाल में नंबर आप जो पर्सन है ज़्यादा है, कैंडिडेट ज़्यादा है, इस वजह से लेखपाल की जो DB है बाहर कराने की बात हो रही है। और अगर ये सब कुछ सही तरीके से हो जाता है तो 3-4 महीने जो आयोग में DB चलने वाली थी वो अब जो है मात्र 30-35 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी। तो मैक्सिमम 99% चांस है कि आपकी जो DB होगी वो अब जो है आयोग में ना होकर के किसी कॉलेज में जो है करवाई जाएगी, और हो सकता है बहुत जल्द इस संबंध में आपको नोटिस भी देखने को मिले। कुछ जो जानकारी होगी मैं शाम तक आपको जो है अपडेट दे दूंगा। कुछ जानकारी शाम तक मिलने वाली है आयोग से लेखपाल भर्ती को लेकर के, तो आप जो है शाम तक इंतज़ार ज़रूर करिएगा। फिलहाल आप सभी से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा अंत में कि अगर आप लोग कहीं पर सेलेक्ट हो चुके हैं तो प्लीज़ आप जो है लेखपाल की DB स्किप करें, लेखपाल DB ना करवाएं। और इसके अलावा अगर आप सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो आप सभी लोग जिस तरीके से मुहिम चला रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं, और आप जो है इसको आगे तक फॉरवर्ड करते रहें, अपने साथियों को बताएं कि आप जो है अगर कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं तो DB स्किप ज़रूर करें। यहाँ पर देख सकते हैं कोमल कुशवाहा जी हैं जिनका चयन NTPC ग्रुप डी कई जगह पर हो गया है। खैर ये जो है 83 नंबर लाएँ, इनका जो है लेखपाल की DB ये स्किप करेंगे, बातचीत इनसे चल रही है, एक अभ्यर्थी के द्वारा जो है मैसेज ग्रुप पर किया गया है। कुल मिलाकर के ये बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। DB स्किप पर आपको फोकस करना चाहिए ताकि आपकी जो कट ऑफ है वो मात्र 1-1.5 नंबर बढ़े, इससे ज़्यादा कट ऑफ ना बढ़े। 77-78 वालों सबका सिलेक्शन हमारे हिसाब से हो जाना चाहिए अगर DB स्किप अच्छी तरीके से हो जाती है तो। फिलहाल गुड न्यूज़ के लिए आप शाम तक इंतजार करिएगा। दो इंपॉर्टेंट जानकारी जो थी कि 30 दिन के अंदर आपकी DB ख़त्म करवाने की बातचीत यहाँ पर चल रही है, जल्द ही ज्वाइनिंग आपकी मिल जाएगी, और DB आपकी किसी कॉलेज में करवाने की बातचीत चल रही है। बाकी DB नोटिस आज देखने को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा ये हम देर रात तक बताएंगे, और जो कुछ भी अपडेट आएगी तुरंत आपको बताई जाएगी। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।